अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक सिंह 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमाला ख़ान, कराची से नुमाइंदा दोस्त अली। मुलाज़मीन बहाली कमेटी के इजलास में स्टील मिल के किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं करने का फ़ैसला। मौजूदा हुकूमत की मुलाज़मीन बहाली कमेटी के चेयरमैन कादिर ख़ान मंदुखेल ज़ेर सदारत इजलास में MNA जाम अब्दुल करीम, MNA रफ़ीउल्ला, पीपल्स वर्कर यूनियन पाकिस्तान स्टील के चेयरमैन शमशाद कुरैशी और फैसल शेख की शिरकत बहाली कमेटी में स्टील मिल मुलाजमीन के मसाइल पर गौर के बाद आइंदा किसी मुलाजिम को मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया पाकिस्तान स्टील से जबरी बरतरफ किए गए मुलाजमीन को भी जल्द ही मुलाजमतों पर बहाल करवाया जाएगा। जिन मुलाजमीन के साथ मिल इंतजामिया ने मुलाजमत के हवाले से नाइंसाफी और ज़्यादती की है, उन मुलाजमीन से इंसाफ किया जाएगा। स्टील मिल की बहाली और मुलाजमीन के मसाइल हल करना हमारी अव्वलिन जिम्मेदारी में शामिल है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ है। आगा रफ़ीउल्ला के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुलाजमीन के मसाइल पर भरपूर आवाज़ बुलंद की।